हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं संगीता और मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाती हूं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने में। तो अगर आप भी घर को सजाने और संवारने के शौकीन हैं, वो भी ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में, तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जब भी मैं इस तरह के रिंग्स वाले पर्दों को ना मशीन में डालती थी वॉश करने के लिए, तो मैं एक प्रॉब्लम को फेस करती थी कि जो इनके पर्दों के छल्ले होते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, जिसकी वजह से पर्दे फिर वापस डालने में ना अच्छे नहीं लगते थे, उनका लुक पूरा चेंज हो जाता था। तो मैंने एक आइडिया लिया, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इस तरह से पर्दे को एक धागे के साथ में बांध दीजिए किसी डोरी के साथ में, और उसके बाद में आप इसे वॉश करिए, तो कोई भी जो आपके छल्ले हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं अपना एक जुगाड़ू ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपनी पुरानी जीन्स का, और जो भी मेज़रमेंट आएंगे वो आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ले लेनी है अपनी पुरानी जीन्स, और उसको एक मेज़र के बाद करने के बाद में इस तरीके से हमें कर लेना है कट, वो भी हमें नीचे का पार्ट लेना है, ठीक है। तो दोनों साइड का जो जीन्स का हमारे दोनों लेग्स का एरिया होता है ना, उसको देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने दोनों पैर को देखिए यहाँ पे कट कर लिया है, और उसके बाद में देखिए इस तरीके से जो ये मोटा एरिया आता है ना, उस साइड से हमें एक फिर से कट लगाना है, यानी कि इसको हमें खोल देना है। तो इस तरीके से जो दोनों पैर के मोटे लाइंस आती है ना, जहाँ सिलाई होती है, वहाँ से करते हुए हमें इस तरीके से हमें इसकी मतलब कट कर देना है एक्चुअली में। तो ये हमारे दो पीस हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे कट के अलग रेडी हो गए हैं। अब हमारा जो जीन्स का बचा हुआ हिस्सा था ना, देखिए इस तरीके से पैर को फिर से हम वापस लगाएंगे, इस तरीके से खोलेंगे उसको, मतलब सीधे अच्छे से सेट कर लेंगे, और इस तरह से उसका ले लेंगे हम नाप, और नाप लेने के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे कि हमें काटने में आसानी होगी। तो इस तरीके से करते हुए हमें देखिए इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो दोनों जो पैर का एरिया है ना, जो हमने नाप लगाया, अभी दोबारा जो नाप लगाया हमने, उसको यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो दोनों पीस हमारे देखिए यहाँ से रेडी हो गए हैं। वापस वही करेंगे, जो इसका मोटा एरिया है ना, इसे कट करके हम निकाल देंगे। तो दोनों पट्टियों के जो मोटी सिलाई आती है ना, उसको हमें इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी पट्टियाँ निकल चुकी हैं, और मोटा एरिया जो है उनको हमने अलग कर दिया है। तो इन पट्टियों को देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और हमें बना लेनी है डोरी। तो यहाँ पर मेरी दोनों डोरियाँ बनके हो चुकी हैं रेडी। अब हमने जो पीस कट किया था पहले, उस पीस को लेना है, और इस तरीके से दोनों पीस को हमें देखिए उल्टा रखना है, यानी कि जो नीचे वाला पीस रखेंगे उसको भी हमें उल्टा रखना है, और ये जो ऊपर पीस है इसको भी हमें उल्टा रखना है इस तरीके से। और उल्टा रखने के बाद में जो हमने ये डोरियाँ बनाई हैं, यानी कि इससे हम बनाने वाले हैं अपने हैंडल, तो इस तरीके से उसका सेंटर ले लीजिए आप, और जो सेंटर लेने के बाद में आप इस तरीके से जो दोनों हैंडल बनाए हैं ना, वहाँ पर आप कर दीजिए सिलाई, जिससे कि बहुत अच्छे से ये स्ट्रांग हो जाएंगे ये। तो इसी तरीके से करते हुए जो दोनों हमारे जो नीचे के बेस थे ना, अलग अलग जो बेस थे ना, इनको देखिए इस तरीके से वहां पे हमें लगा लेना है, और इस तरीके से तीनों साइड में हमें डाल देनी है सिलाई। पहले हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मेरी सिलाई हो चुकी है रेडी, और जो हमारा हैंडल का एरिया है ना, उसे हमें खुला ही छोड़ना है। उसके बाद में इसका कोना है ना, देखिए कोना लेंगे इस तरीके से, इसका कोना जो नीचे का एरिया आता है ना, वहाँ पे कोने बनते हैं हमारे, तो इस तरीके से कोना लेना है, देखिए कोना बना लेना है, और उसके बाद में देखिए इस नाप से इसको निशान लगा लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर सिलाई करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से जहाँ दोनों साइड में हमें करना है, निशान लगाने के बाद में दोनों साइड में हमें डालनी है सिलाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई डाल दी है, और दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई डालेंगे। ये देखिए उस सिलाई डालने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो जो हमारे इसे कोने हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट करके निकाल दीजिए। तो दोनों मैंने जो कोने हैं उनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए अब इसको हम सीधा कर देंगे, और हमारे कोने भी काफ़ी अच्छे बन चुके हैं इस तरीके से। तो ये हमारा एक बन चुका है बैग। तो ये पुरानी जीन्स से बैग बना है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी मजबूत होते हैं जीन्स के कपड़े। तो देखिए हमारा थैला बन के रेडी हो गया है। आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ला सकते हैं, घर का कोई और भी सामान ला सकते हैं। तो चलिए अपना फिर से एक और जुगाड़ बनाते हैं। अगर आपके यहाँ स्पेस की कमी है तो ये जुगाड़ आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरीके से हमें तीन प्लास्टिक की बॉटल्स लेनी है। आप कोई भी बॉटल्स ले सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रांग वाली बॉटल्स लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। अगर एकदम पतली बॉटल्स लेंगे तो वो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरीके से देखिए उसको राउंड में हमें लगा लेना है निशान, और थोड़ा सा हमें देखिए इस साइड से ऊपर की साइड में देखिए इस तरीके से एक पट्टी टाइप हमें बना लेना है, और इस एरिया से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें तीनों जो बॉटल्स हैं अपनी, उन्हें हमें कट कर
कर लेना है। देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा इसका शेप। तो इस तरीके से जो तीनों बॉटल्स हैं हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी तीनों बॉटल्स कट हो चुकी हैं। उसके बाद में हम इस तरीके से लेने वाले हैं, पेपर टेप ले लीजिए यहाँ पे, या फिर कोई भी टेप ले लीजिए। वो लेने के बाद में देखिए इसको यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरीके से तीनों बॉटल्स में हम अपने टेप को लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं पेंट। तो अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो पूरा ही बॉटल हमारा पेंट से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं टेप लगा दूंगी, बाद में टेप हटाऊंगी, तो उस जगह पे पेंट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरह का जो स्प्रे पेंट आता है ना, वो मैंने यूज़ किया है, और ये स्काई ब्लू कलर का मैंने लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको पेंट कर लिया। बहुत जल्दी ये पेंट सूख जाते हैं और करने में बहुत आसानी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आप हिलाते जाइए और स्प्रे करते जाइए। तो इस तरीके से मेरी तीनों बॉटल्स पर पेंट हो चुका है और ये सूख चुके हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमने टेप लगाया था, तो आप इनका टेप इस तरीके से निकाल दीजिए। तो देखिए ये आपको ट्रांसपेरेंट वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हमें लेना है एक हैंगर ले लीजिए, और हैंगर लेने के बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से लेके उसको हल्का सा फोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे स्टेपलर की हेल्प से इन सारे बॉक्सेस को जो हमने अपने ऑर्गेनाइजर बनाए हैं यहाँ पे उनको कर दीजिए हैंग। तो क्या होगा कि हमारा एक जीरो ऑफ कॉस्ट का ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया। मल्टीपर्पज़ है, आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने ड्रेसिंग एरिया में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें डाल के रख सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे ऐसे ही वीडियोस के लिए। जल्द आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।